हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी सांसद पर हमला, पुलिस पर भी उठे सवाल। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं, तब से उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो लोकतांत्रिक मुल्क में ठीक नहीं कही जा सकती। कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी सांसद बने हैं, तब से लगातार 3 बार उन पर हमले हो चुके हैं। यकीनन पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होने लाजमी है, क्योंकि ऐसी बाड़मेर की घटनाएं पुलिस लापरवाही को भी सामने लाती है। दरअसल कर्नल सोनाराम चौधरी 15 अगस्त यानी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के चौटन इलाके में किसी सामाजिक कार्यक्रम से वापस बाड़मेर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान नीमड़ी के पास आधा दर्जन लोग जो गाड़ी में सवार थे, उन्होंने सांसद के वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। सांसद के साथ कुछ लोग भी थे और उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि चौटन अहमदाबाद रोड पर उन्होंने गाड़ी महाबार गांव की तरफ ले ली, तब महाबार गांव से होकर गुजरने वाली मोखड़ा रोड पर फिर से ये वाहन सवार ओवरटेक करते हुए उनकी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने गाड़ी रुकवाकर लाठियों और हॉकी से कांच तोड़ने शुरू कर दिए। इस घटना में सांसद के वाहन चालक के हाथ में भी कई चोटें आई हैं। घटना की तुरंत जानकारी सदर थाना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके की तरफ रवाना हुई और सांसद को सुरक्षित थाने लेकर पहुंची। थाने में सांसद के पहुंचने के बाद समर्थकों की भीड़ जुट गई और कुछ ही देर में हजारों की तादाद में लोग सदर थाने के आगे एकत्रित हो गए। उन्होंने थाने के आगे सांसद जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और अपना विरोध जाहिर किया। इस घटना के संबंध में पुलिस विभाग के सूत्रों से हुई बातचीत में अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कर्नल सोनाराम चौधरी के वाहन पर किसी भी तरह की फायरिंग की घटना हुई या नहीं। पुलिस सूत्रों की माने तो फायरिंग की घटना नहीं हुई है। हालांकि ये बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही है कि सांसद की गाड़ी में सवार सुरक्षाकर्मी ने गौरव हवाई फायर सांसद के बचाव में किए थे। पुलिस अधिकारी घटना की जानकारी मिलने पर बाड़मेर के सदर थाना पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल, पुलिस उपाधीक्षक समेत विभिन्न थानों के थाने का जाप्ता सदर पहुंचा। वहीं बाड़मेर के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी समेत देसुरी अधिकारी भी सदर थाने पहुंचे और हालातों के बारे में जानकारी अधिकारियों से ली। सांसद को शांति अपील करनी पड़ी। सदर थाने के आगे जब बड़ी तादाद में समर्थन उमड़ पड़ा, उन्होंने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, तब सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को बाहर आना पड़ा। उन्होंने बाहर पुलिस के वाहन में लगे लाउडस्पीकर पर लोगों से अपील की कि ये वो किसी भी तरीके से कानून हाथ में ना लें और ना ही ऐसी घटना कार्य करें जिससे शांति भंग हो। वर्ष 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जसवंत सिंह का टिकट कटवाकर जब वो भाजपा प्रत्याशी बने, तब प्रचार के दौरान हरसानी क्षेत्र में कर्नल सोनाराम चौधरी पर हमला हुआ। उसके बाद एक विवाह समारोह में खरता राम व्यक्ति ने उनको थप्पड़ मार दिया और उसके बाद ये एक और घटना प्रकाश में आई है। इसके बाद से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के अनुसार सांसद पर इस तरह निशाने पर है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? क्या हुआ आपके सांसद साहब से, उनपे कैसे हमला हुआ, आपके पास क्या सूचना है और क्यों है? आज स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त के ऊपर कर्नल साहब चौटन साइड में अपने दौरे पर गए हुए थे और आते टाइम असामाजिक तत्वों ने गाड़ी के आगे और पीछे 2 गाड़ियों में सवार होकर के जान से मारने के लिए उन पर हमला किया गया। हॉकियों से, पिस्टल से फायरिंग की गई और साहब के साथ बदसलूकी की है। करने वाले कौन थे? अब करने वाले कौन, 2 लोगों को पुलिस बता रही, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी आगे की घटना क्या है क्या नहीं पूरा अभी कर्नल साहब को पूछेंगे। फायरिंग की भी बात, फायरिंग हुई है और वो उन लोगों ने क्या किया है अभी वहाँ से रास्ते में उनका आगे गाड़ी देकर हॉकियों से पीछे मार किया। एक मिनट नरसिंह जी, एक चीज बताइए, कर्नल साहब एक तरह से देखे जाए तो राजस्थान में जाटों के बड़े लीडर है, आपको नहीं लगता कि अब सरकार को उनको उनकी सुरक्षा है आने वाले दिनों में और बढ़ा देना चाहिए जिस तरीके का चुनाव का माहौल है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता बाड़मेर जैसलमेर नहीं पूरे राजस्थान में। बिल्कुल, इस बात को मैं मान रहा हूँ, कर्नल साहब जाटों के ही नहीं सभी कौम के नेता है और पूरे राजस्थान ही नहीं,
पूरे पूरे भारत के अंदर कर्नल साहब का नाम है और ये हमला एक जाट और कर्नल साहब के ऊपर नहीं हुआ है, ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता। आपकी सरकार से क्या मांग है सुरक्षा को लेकर? सरकार से मांग कर्नल साहब की, अभी इलेक्शन का माहौल है, असामाजिक तत्व अपनी हरकतों के बाज नहीं आ रहे हैं और उनकी ये इस घटना को लेकर के इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और इस माहौल ये जो अभी हरकत हुई है इस हरकत के ऊपर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे अगर इस पर। बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।